शराब आधी गुलाब बनो जान मन बल के फल हाथ दिखाने का वादा मिला के
भुला दिया तहारी थी तेरी भय ना तो एक पल शेर मिलता है ना तो आराम मिलती है कहाँ ले तेरी यादें मुझे सता रही है और तेरा ही
बनवा दिया बाप। अरे भैया जय सिंह, कितने वक्त आ गया? मैं तो तुझे देख नहीं रहा। अबे तो आए करीब एक घंटा हो गया भैया। ठीक है ना? क्या देख रहे हो? क्या रहा था भैया? ये गाना कैसा बज रहा था? गाने की बात जानना चाहते हो मेरे भाई? तुम्हें शायद नहीं मालूम है कि इस वक्त मैं फकत तन्हा अकेला रहता हूँ। मुझे अकेलापन महसूस होने के कारण मैंने एक टिबिया है ना, क्या कहा, सीडी में कैसेट लगी वही बज रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसेट बज रहा था? और तुम क्या समझे? क्या कहा, तुमने टीवी सीडी ले लिया है? जी हाँ। और उसी में कैसे लगा करके गाना सुन रहे थे? वही मैं गाना सुन रहा था, क्योंकि अकेलापन महसूस नहीं होगा, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठो बैठो, जो हम देखते हैं भाई टीवी तुमने जो खरीदा है वो असली है या नकली है। अरे बैठा, अरे पहले लगता है पोल खुल जाएगी क्या? लोग आ जाती जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, न खांसना है न बकलाना है, आए आए और दे रख दिया। शर्म नहीं आती? चलो चलो निकलो, चलो उल्टा चोर कोतवाल को डाके हमारा ही घर और हमें ही इतनी डाक। भैया समझा रहे हैं, अगर जान ही गए हो तो मैं अब तुमसे क्या छुपाऊं? ये मेरी बीवी होने वाली है और आपकी है भाभी। क्या कहा भैया? ये हमारी होने वाली भाभी और आपकी होने वाली बीवी। नमस्ते। हेलो। और ये आगे हमारे भाई साहब सेवा प्रधान ग्राम तदुआ, तदुआ की तरफ से 100 रुपए मेरा कमेटी में देते हैं, पर दिन धन्यवाद। हाय देवर जी, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी? कुछ तुमको गलत गलत तो नहीं कह दिया? देखो भाभी, अनजान में जोर कुछ होता है। आप अगर आप कह भी गई तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, आई एम वेरी सॉरी। एक बात है, तू सोचा है। अच्छा सुनो, अब अपनी अपनी चुनाव कर रहे हो ना, अब आप अपनी अपनी बातें करोगे या मेरी भी सुनोगे? सुनेंगे सुनेंगे, पहले इसकी बात का भाई हम निराकरण कर ले। क्या कहते हो हम उसे दद्दू, और तुम उसे छोटे हो? अरे यार तुम उसे बड़े हो भाई। हम कौन अंगति बड़े लागे, कौन अंगति बड़े लागे? हमारी बुआ बतावा करती रहा। क्या बताया करती थी? वही कहा करती रहा अंबर सिंह और जय सिंह जब जाए जाए चलती रहा। अच्छा, तो हम तय कहती रहे तुम पैगम कुलगुल कुलगुल करती रहा। लेकिन भैया और ये आगे हमारे भाई साहब मसूद जली डॉक्टर ग्राम मामदी की तरफ से
उसीन पे खुश होकर दे रहे पांडित धर्म। अच्छा ये बताओ क्या पैर हमारे यहाँ पे है? पैर यहाँ है सामने देखो। अच्छा सुनो भाभी, भैया भाभी के प्यार में इतने से पड़े रहोगे, अपना गन्ना वो सींचने वाला है, लाखों का नुकसान हो जाएगा और तुम खेतों की तरफ हमको हमें लगता गए ही नहीं हो। देवर जी अच्छा ये बताओ ठंडा तिले गए या गरम? अरे वो तो बाद में होगा, पहले भैया से बातें कर लेने दो। तुम चाय बनाओ और हम चाय पीते हैं। तो ठीक है तुम लोग 5 मिनट में वेट करिए और मैं 2 मिनट के अंदर आ रही होगी चाय लेके। ठीक है जाओ जाओ जाओ। तो बढ़िया बना लिया अभी नहर की तरफ से आए हैं। नहर से पानी भी आ गया है और अभी गांव वालों को पता नहीं है। अगर किसी को मालूम हो गया कि नहर में पानी आ गया है तो तुमसे पहले अपने खेत में वो लगा लेगा, तो पानी मिलेगा नहीं भैया। इसलिए एक काम करो, नौकर को साथ ले लो और जाओ अपना गन्ना सींचो। नौकर पानी आ गया भैया बता रहे हैं पानी आएगा। भाई पानी ही आ रहा है। क्यों बचा रहे हो? और यहाँ के हमारे भाई साहब मसूद अली डॉक्टर ग्राम महंती की तरफ से ये 10 रुपए अपनी भाभी में खुश होकर क्रमबद्ध इनाम देते हैं पंडित भाई। हाँ नहर में पानी आ गया भैया बता रहे हैं। तो क्या है क्यों मचा रहे हो शोर? मचाओगे गांव वाले जान जाएंगे तो सब अपना अपना खेत सीखने लगेंगे। जी हाँ तुम जाओ फावड़ा लेकर के आओ और चलते हैं खेत की तरफ। कौन सा खेत सींचने वाला है? क्या क्या उसे सिंचाई करना है ना भैया? हाँ भैया सब बात नहर में पानी आएगा। सोई घुटने बचा रहे हैं नहर में पानी आ गया। उसमें भी कहने की बात। चलो जाओ चलो चलो। और 1 घंटे के बाद हम तुम लोगों के लिए भाई नाश्ता लेकर के आएंगे। वो आ जाओ भैया खेत में आएंगे। खेत में भैया क्या कर? हाँ खेत में ही आएंगे। चलो नहर में पानी आएगा। खेतों की तरफ गए हैं। भैया के लिए भाभी से कह गए हम नाश्ता तैयार करवाते हैं और भैया के लिए खेत में हमें नाश्ता लेकर के जाना है। हाँ और ये आगे हमारे साहब राजेश और अजय प्रांत में पहले इसकी तरफ से 10 रुपए अपनी भाभी में खुश होकर दे रहे थे पार्टी को। धन्यवाद। हमारा दोस्त ठाकुर करण सिंह जमीन जायदाद के मामले में लखनऊ गया था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। हम उसका सुबह से इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं उसको जमीन जायदाद के मामले में कैसा क्या। हम क्या माने मुकदमा फंस गया चाले अंधर कहीं के ऐसी अच्छी बातें कहीं बोली जाती है। मुकदमा सारा बकाया था फंस गया। टाइम ज्यादा हो गया। टाइम ज्यादा हो गया लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। देखो लखनऊ जो है एक दार्शनिक स्थल है। पर्यटक लोग बहुत दूर दूर से आते हैं वहाँ घूमने टहलने के लिए। मुकदमा फाइनल होने के बाद हमारे दोस्त ने सोचा हो कहीं टहल घूम लिया जाए ऐसा हो सकता है और तुम सारे बता रहे हो मुकदमा। यह बात सही है मूड फ्रेश करने के। हाँ ये बात चलो तो पहले इंतजार कर लिया जाए। भाई ये क्या पूछा? निकाले जूता 50 मारे अभी इसका दिमाग खुल जाए। फिक्र मत करो वो तरह हाई कोर्ट को लाल कोर्ट बताए। तुम मुकदमा हार गए हो तुम्हारा हम आपकी अपील करेंगे और आप मुकदमा जीत कर रहेंगे। ठाकुर मुझे मुकदमा हारने का कोई कम अफसोस नहीं। फिर से दिमाग ये सर कुछ बताओ हमें ना दे कौन नहीं बात है। मुकदमा हारने का अफसोस नहीं है फिर सामने फैसला सुनाया तो हमारा मूड खराब हो गया। जमीन का मैटर था तो मूड तो खराब हो गया। हम भैया
नींबू पार्क चले गए। नींबू पार्क में मैं बैठा था, इतने में सारा वहां पर जयसिंह आ गया। जयसिंह कौन है? अंबर सिंह का छोटा भाई। अंबर का कोई भाई भी है? हाँ, नाम बताया जयसिंह। जयसिंह तो जब जयसिंह नींबू पार्क में आ गया तो अंबर वाली बात क्या जयसिंह से नहीं बताया? क्या नहीं ठाकर बोल देते कि अपने भाई को समझा दे, अन्यथा हम लोगों से पूरा कोई नहीं होगा। जयसिंह से हमने कह दिया अपने भाई अंबर को समझाओ, वो ठाकुर के रास्ते का एक बार बार रोड़ा बनेगा तो इसका अंजाम पूरा होगा। तो क्या जवाब दिया? तो उसने क्या जवाब दिया मेरे यार, अरे उस दिन तो हमारे भाई अंबर सिंह थे, यद उस दिन मैं होता अपने भाई की जगह पे तो ठाकुर संग्राम सिंह के इतने जूता मारता तो देखने वाले लोग दंग रह जाते। तुम इस बात को बैठे बैठे सुनते रहे, तुम्हारी कोई तवहीनी करे करण सिंह सुनता रहेगा। फिर क्या किया तुमने? अरे तब हमें गुस्सा आ गया, जिस वक्त ये शब्द जय के मुख से निकला, अरे किया ताले के तमाचा तो जय जमीन पर। नौकर एक चाटे में जय जमीन पर गिर गया। वा तो इनकी हिम्मत हम जाने दे, बड़ा तमाचा या कई तमाचा में जय जमीन पर गिर गया। अब उसका नाम है जय और उसे नाम लेने का ढंग नहीं मालूम। उसका नाम है जय 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 के चक्कर में जय बता रहा है। नाम है साले को नाम लेना नहीं आता उन लोगों पर था ठाकुर। अरे चाहते तो हम जय सिंह को दुनिया से मिटा देते, लेकिन